विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर शनिवार को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नरेश और अन्य अधिकारियों ने पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं और चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी दी। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर शनिवार को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के सम्मेलन कक्ष में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेश, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विक्रम कटोच, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रमेश गुलेरिया और अन्य अधिकारियों ने पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं और चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी दी। वहीं चिकित्सक विक्रम कटोच ने बताया कि मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त एम्बुलेंस सेवा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना व अन्य निशुल्क सुविधाओं के कारण आज गरीब से गरीब मरीज भी आसानी से अपना इलाज करवा सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से छूटे लोगों के लिए भी सरकार अब यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लेकर आई है। लोगों को ये ना हो कि ये सोचना पड़े कि दवाई खरीदे या खाना खरीदे, तो हमारे विभाग ने अब ये सब कर दिया है कि 330 किस्म की दवाइयाँ सब सेंटर से लेके जोनल हॉस्पिटल कुल्लू तक पूरी तरह उपलब्ध हैं और किसी भी इंसान को किसी भी बीमारी के लिए दवाई अपनी पॉकेट से पैसा दवाई के लिए ना खर्चना पड़े। इसके साथ साथ हमने उनको आज ये बताया कि विभिन्न किस्म के जो इंश्योरेंस कार्ड्स हमारे यहाँ बन रहे हैं, जैसे RSBY मुख्यमंत्री हेल्थ कार्ड या फिर यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड, जिसके माध्यम से 1 रुपये प्रतिदिन के खर्च पे हम परिवार के 5 लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी इंश्योरेंस कर सकते हैं, जिससे कि उनको आने वाले समय पे अपनी पॉकेट से कोई भी खर्च ना करना पड़े। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।